साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। ये ज़माना है फूड प्रोसेसिंग का, ये ज़माना है कि आप सीधे कोई उत्पाद जो खेत में पैदा करते हैं वो ना बेचें बल्कि उसे प्रोसेसिंग करें। अगर आप गेहूं उगाते हैं तो आटा बेचें, अगर आप इससे आगे बढ़ गए हैं तो फिर उसका ब्रेड बिस्किट कुछ बना के बेचिए। तो और लेकिन समस्या किसानों सामने आती है, खासकर ये कि कैसे वो उसकी प्रोसेसिंग करें, कैसे उसकी पैकेजिंग करें। तो मैं अभी राजधानी लखनऊ जो है यहाँ के एक MSME का मेला लगा हुआ है, उसमें एक पैकेजिंग प्लांट पे आया था जहाँ पे आप ब्रेड बिस्किट कुछ भी ऐसा पैक कर सकते हैं। तो यूनिट देखी, मुझे लगा कि शायद आपके काम की हो। तो ये नोएडा के एक प्लांट है, वहाँ पे नज़र पड़ी, ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे, लेकिन ये मुझे लगा कि मशीन है जो कम जगह पे लग सकती है, कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो कुछ हो सकता है इस बारे में। अगर आप का कुछ थोड़ा सा भी आपका मन है इस तरह काम करने का तो मैं भी आप समझे देखें मशीन को तो समझ में आए। तो टीम के कुछ मेंबर्स हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात भी करूँगा और आपकी भी जो सवाल होंगे उनसे पूछूँगा। सर स्वागत है आपका न्यूज़ पोर्टली में। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मशीन है ये कितने रुपये की है और इसका जो है पर घंटा जो है उत्पादन कितना है और क्या क्या ये पैक कर सकती है। मैं सत्यम पांडे, हम लोग नोएडा से आए हैं। जी जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हैं मिस्टर सुनील चौहान, BR पाउच पैकिंग मशीन्स के ये डायरेक्टर हैं। और मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी है आपको। चौहान साहब तो मुझे ये बताइए ये मशीन आपकी क्या खास है, क्या क्या कर सकती है। ये मशीन आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक रस्क पैक करती है। इसमें इस तरह के पैकेट 1 मिनट में 50 पैकेट बनाए जाते हैं, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन निकाल के देती है आपको, और बहुत छोटी जगह में ये आ जाती है। कीमत भी इसकी बहुत सही रखी गई है, 5 लाख रुपए की ये मशीन है। ये जो मशीन आप मुझे ये देख रहे हैं, हाँ जी, आप एक बार दिखाइएगा फिर आगे लौट के आएंगे। तो ये मशीन इतनी बड़ी सी मशीन है ये, हाँ जी, तो ये इसकी कीमत है 5 लाख रुपए। और मैंने भी सुना कि आपके पास इसका एक छोटा वर्जन भी है। इसका छोटा वर्जन भी है जो आपका 3 लाख रुपए तक आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं, बट उसमें क्या है वो छोटे पैकेट पैक करती है। कोई बात नहीं, ये है, ये हाई प्रोडक्शन के लिए मशीन है, जिसका हैवी प्रोडक्शन है हम उनको ये मशीन देते हैं। अच्छा, तो इसको कितना पावर चाहिए होता है और कितनी जगह इसको चाहिए? बहुत कम पावर में ये चल जाती है, 2 किलोवाट का लोड चाहिए इसको। और इसकी आप अगर जगह की बात करें तो 15 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 4 फीट है, इतनी जगह में ये आ जाता है। एक बार हम चलवा के दिखा देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो दिखा दी, हाँ ये कैसे काम करती है, फिर और इसकी विस्तार से बात करेंगे, समय पूरा अपने पास। ये देखिए, हाँ इस तरह ये पैकेट निकालती है, अब यहाँ दिखाते हैं। बहुत ही मतलब अच्छी पैकिंग आती है और इसमें डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सब लिख के आता है। ओके, ये इसमें आ रहा है से। हाँ जी। तो मैं थोड़ा इधर दिखा दूँ, साथ ही यहाँ पे आपको ब्रेड रखना है, कुकीज़ या जो भी आपका ब्रेड डस्क है वो यहाँ पे रखना है। आपके प्रोडक्शन जो होने के बाद में फिर ये चले जाएंगे, अपने आप इसको ग्रेडिंग कर रही है। 2 बार में इसने लिया, इसको ऊपर एक फिल्म लगी है जो 50 माइक्रोन के ऊपर की है और फिर यहाँ पे इसके पैक हो रहे हैं। तो इसके और जो तकनीकी पक्ष है वो जानेंगे। भैया एक बार दिखाएंगे फिर से एक बार, तो एक पैकेट होगा क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए है। आप देखिए अपने आप वो जाके वहाँ पे पैक हो जा रहा है। ठीक है ठीक है, जी जी जी। अभी सर एक अभी मेरा ये सवाल ये था कि ये जो अगर मान लीजिए पॉलिथीन बैन होती है, जैसे सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करती है, उस समय हमारे पास क्या विकल्प होंगे, क्या मशीन लेने के बाद? वैसे ये रिसाइकलेबल, हम इसे प्लास्टिक लगा रहे हैं, इस प्लास्टिक पे बैन नहीं है। और अगर बैन होती भी है तो उसका सॉल्यूशन तो हम आपको कुछ ना कुछ निकाल के देंगे। शुक्रिया पांडे जी। एक और बहुत अहम सवाल है, क्या होता है कि जब कोई एक तो इतने बड़े ब्रांड है उनके सामने किसी भी आम आदमी को टिकना है, अपना उत्पाद लेकर आना है, दूसरी समस्या ये होती है कि उसका उत्पाद में जो कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रहे। कई बार देखा मॉइस्चर आता है, छेद हो जाता है, इसमें कुछ हवा पानी चला जाता है तो फिर वो उसका कुरकुरापन खराब हो जाता है, खासकर कुकीज़ के मामले में। उनके लिए फिर इसमें क्या है मतलब? आपने ये बहुत अहम क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर पैकेजिंग, जब भी कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं या कोई भी आदमी लॉन्च करता है तो हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हम उसे बताते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए ये पैकेजिंग सूटेबल है। और उसके अंदर 4 लेयर आता है, 3 लेयर आता है और 2 लेयर आता है। मॉइस्चर से बचने के लिए हमेशा मेटलिक पाउच यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि मॉइस्चर बैरियर उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और उस मॉइस्चर बैरियर को जब उस मॉइस्चर बैरियर वाली पैकेजिंग जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मॉइस्चर बैरियर नहीं आता है। मान लीजिए उसमें शेल्फ लाइफ 3 महीने दी हुई है तो प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है उस शेल्फ लाइफ तक उस प्रोडक्ट को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कि किसी प्रोडक्ट को 4 लेयर देना है, किसी को 3 लेयर देना है और किसी को सिंगल लेयर भी देना है, वो हम सजेस्ट करते हैं। क्योंकि आइसक्रीम की जो पैकेजिंग होती है वो सिंगल लेयर होती है। मटेरियल भी दिखाएगा जो आपका कौन कौन से मटेरियल पैक कर सकते हैं ना, वो जो आपके पास था उनके भी दिखाएगा। हाँ आप ये ले आए थे, बात दीजिए। अच्छा तो इनके पास किन किन तरह से आप पैक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या सिर्फ पॉलिथीन है, दूसरा ये जो इसके पीछे मैटलिक है ये इसलिए देते हैं कि मॉइस्चर बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग रहे इसके। सर ये फिर से रिपीट करिएगा। ये मैट फिनिश है और टॉप लेयर,
दैट इज़ अ प्रीमियम पैकेजिंग। और ये मेटलिक हमने दिया हुआ है इसके पीछे, इसका मॉइस्चर बैरियर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और प्रोडक्ट कभी भी सीलेगा नहीं, और मशीन पे बहुत अच्छी मशीनेबिलिटी आती है, बहुत अच्छी स्पीड से निकलता है, ये इसकी खासियत होती है। तो हम लोग मिलकर हमेशा काम करते हैं जिससे कि इतनी अच्छी मशीन बनाने के बावजूद भी पैकेजिंग हम रोल ऐसा सप्लाई करें उसको जो मशीन पे बहुत अच्छा सूटेबल हो और हाई आउटपुट मिले। चौहान साहब, ये बताइए कि जैसे किसी गांव के आदमी ने, क्योंकि हम लोग तो गांव पे काम करते हैं, हमारा फोकस भी है कि वहीं पे इस तरह का उद्यम लगाया जाए, किसी ने आपसे मशीन लिया, 3 लाख लगाए या 6 लाख या 5 लाख लगाए, आपके पास फिर बाद में आफ्टर सर्विसेज क्या हैं आपकी? हमारी सर्विस आपको बाकी लोग हाथ लगा जाते हैं। बहुत सही आपने सवाल पूछा, पूरे भारत में हमारी सर्विस अवेलेबल है, हर शहर में हमारे सर्विस वाले लोग रहते हैं और आपको हर जगह हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो साथियों, ये मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा कि ये एक छोटी सी यूनिट है जो 3 से 5 लाख रुपए में आपके पैकेजिंग का काम कर सकती है, प्रोडक्शन का काम यूनिट ये अलग से आपकी काम करती होंगी। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप इस दिशा में कुछ काम करना चाहते हैं, खासकर फूड प्रोसेसिंग पे सरकार की काफ़ी सब्सिडी है, कई सारी योजनाएँ हैं MSME के अंतर्गत हैं और जो FPO के अंतर्गत हैं, तो आप उनको उस काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो एक कंपनी की मैंने दिखाया है, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आप इनकी तुलना करिए, जो आपको अच्छा लगे उनको कराइए, लेकिन आप गाँव में इस तरह के जो रोज़गार हैं, जो कस्बों में जो उद्यम है, उनको आप कर सकते हैं। इनमें से एक नंबर भी मैं किसी बता देता हूं, अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इनका नंबर भी यहां मैं दिखा देता हूं, आप इधर भी देख सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपको मशीन कोई पसंद आए और आप देख नहीं सकें, आप वहां भी एक नंबर है, आप ये जो नंबर है यहां पे आपको सब पॉलीथीन और ये सब मिल जाएगा। ओके ओके, ये मशीन का इधर आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ID वगैरह है, आप इसे देख सकते हैं। हम लोग बॉक्सेस ही बनाते हैं पैकेजिंग के। जी जी जी, हाँ, एक बात बोल, अभी कुछ और अलग अलग चीज़ें हैं मार्केट में आ रही हैं, तो बस मेरा मकसद इतना था कि आपको कुछ 2 कदम आगे बढ़कर बताया जाए और जो आपके काम को हो। तो कोई सवाल अगर आपका होगा तो आप इनसे ही पूछ सकते हैं, अगर आप हमसे सवाल पूछते हैं कमेंट में तो मैं कोशिश करूँगा कि संबंधित जो अधिकारी लोग हैं उनसे बात करें, कंपनी के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करें, आप तक बात पहुँचाऊँ। बहुत शुक्रिया आपका।